सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन मेडिसिन। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं पिपजो 2.25 मिलीग्राम इंजेक्शन के यूजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या कंपोजिशन रहेंगे, क्या यूजेस रहेंगे, क्या डोजेस रहेंगे और इसे क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं और किसको कितनी मात्रा में देनी चाहिए इनके बारे में जानने वाले, कौन सी बीमारी में इस इंजेक्शन को दे, किन किन बीमारियों में इस इंजेक्शन को दे सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग जानने वाले हैं डिटेल ऑफ पिपजो इंजेक्शन। ठीक है, इसमें जो मेन कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है वो पिपेरासिलिन, क्या मिलता है, पिपेरासिलिन और टाइजोबैक्टम देखने को मिलता है। क्या मिलता है, तो पिपेरासिलिन एंड टाइजोबैक्टम देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो पिपेरासिलिन एक प्रकार का जो है पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स होता है और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर दवाइयों के कैटेगरी में आता है। क्या होता है, तो बीटा लैक्टम इनहिबिटर दवाइयों के कैटेगरी में आते हैं। ये दवाइयाँ जो होती है, ये दवाइयाँ एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। क्या होती है, एंटीबायोटिक मेडिसिन, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने वाली ये मेडिसिन होती है। ठीक है, ये केवल इंजेक्शन फॉर्म में ही आता है, ये टेबलेट फॉर्म में नहीं आता है। यानी जिसमें अगर पिपेरासिलिन और जो बैक्टम है वो केवल आपको इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। इंजेक्शन यूजेस, तो दिस इंजेक्शन ओनली यूज फॉर आईवी, यानी इस इंजेक्शन को केवल आईवी ही दिया जाता है, इसे इंट्रामस्कुलर नहीं दिया जाता, इसे केवल इंट्रावीनस नस में ही दिया जाता है। ठीक है, इसे इंट्रावीनस ही दिया जाता है। तो इसके क्या क्या यूजेस, तो यूजेस के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ पिपजो इंजेक्शन, इसका जो उपयोग होता है, पहले मस्ट बी डायलूटेड आईवी, इसका आवश्यक होता है कि आप इसे आईवी ही दें। ठीक है, इस इंजेक्शन को आईवी ही दें। ठीक है, तो इसका क्या क्या उपयोग होता है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है, साथ ही एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो उस कंडीशन में इसका उपयोग कर सकते हैं, और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, आंतों में सूजन हो जाना, ठीक है, ब्लॉटिंग होना, दर्द होना, तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। सूजन के इन्फेक्शन के कारण जो सूजन हो जाती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाना और वुंड्स इन्फेक्शन, घाव जिसे संक्रमण हो रहे हैं, ठीक है, वुंड्स के कारण जो इन्फेक्शन हो गया वहाँ भी उसका उपयोग किया जा सकता है। और बोन इन्फेक्शन जो होते हैं, बोन इन्फेक्शन जैसे कि ऑस्टियोमोलाइटिस का कंडीशन अगर बन जाता है तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही टॉन्सिलाइटिस के कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है, ओरल कैविटी इन्फेक्शन, ठीक है, ओरल कैविटी, मुख गुहा जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ओटाइटिस मीडिया यानी ईयर इन्फेक्शन, यानी कान के, कान संबंधी इन्फेक्शन हो जाता है तो भी इसका उपयोग किया जाता है। नेजल इन्फेक्शन, नाक संबंधी अगर किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। लंग्स इन्फेक्शन के कंडीशन में इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही स्किन रिलेटेड डिजीज यानी स्किन इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये पिपजो इंजेक्शन जिसमें पिपेरासिलिन और टाइजोबैक्टम देखने को मिलता है। टाइजोबैक्टम एक प्रकार का केमिकल साल्ट होता है और पिपेरासिलिन भी एक प्रकार का केमिकल साल्ट होता है। ठीक है, तो चलिए इसे क्या डोजेज होते हैं, डोजेज को समझ लेते हैं। तो डोजेज ऑफ पिपजो इंजेक्शन, इसको किसको कितनी मात्रा में देनी चाहिए तो इसके बारे में जानते हैं। तो फॉर बेबी के लिए, जो बेबी को जो डोज दिया जाता है वो एज और वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एज और वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। उस हिसाब से अगर बेबी में मैक्सिमम डोज कितना देना चाहिए तो आप 15 से 20 mg तक, mg पर kg के हिसाब से दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, तो 15 से 20 mg पर kg के हिसाब से दे सकते हैं और उसे प्रत्येक 6 से 8 घंटे पे इसे पुनः रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, और अडल्ट व्यक्ति में बात करें तो मैक्सिमम डोज जो होना चाहिए वो 1000 से लेकर के 5000 mg तक दे सकते हैं। ठीक है, 1000 से लेकर के 5000 mg तक दे सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में आपको 1000 mg ही काफ़ी रहेगा, बाकी अगर कंडीशन थोड़ा सीवेरियर है तो उस कंडीशन में आप इसे 5000 mg तक दे सकते हैं या फिर उसके बीच वाले भाग को भी दे सकते हैं और उसे प्रत्येक 6 से 8 घंटे पे इसे पुनः रिपीट किया जा सकता है, प्रत्येक 6 से 8 घंटे पे। इसे कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो साइड इफेक्ट ऑफ पिपजो इंजेक्शन, इसका जो साइड इफेक्ट होता है, कॉमन साइड इफेक्ट, जैसे कि आपको नोजिया का कंडीशन बन सकता है, जी मचलाना, ठीक है, वोमिटिंग का कंडीशन बन सकता है, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, साथ ही हेडेक, एंजाइटी, चिंता की समस्या, फिर स्लीपलेसनेस, अनिद्रा, डायरिया और फीवर जैसे इन सभी कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार के मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।